देव गुरु बृहस्पति जी यज्ञ आरंभ कीजिए। माँ मनसा देवी की जय। अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात् तदिशंख तुषारांभ ओम श्राम श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः। यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव शक्ति छोड़कर आपका भगा बन बन मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। हे मां देवी मनसा, मैं तो क्षमा मांगने की योग्य भी नहीं। जिस मुख से मैंने बार बार आपका अपमान करने की मूर्खता की, उस मुख से मैं क्षमा कैसे मांगूंगा। अपनी भक्ति के अहंकार में मैं इतना डूब गया था कि आपके देवी स्वरूप को देखने में असमर्थ था मैं। देवी नहीं, माँ के रूप में अनेकों बार आपने
मुझे उचित मार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैं सदा भटकता। देवी मां मनसा, आप तो मां हैं और मां का हृदय तो विशाल होता है। संभव हो तो मेरी सभी भूलों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मां, क्षमा कर दीजिए मुझे। चंद्रधर, अपनी भूल को समझकर यदि कोई उससे सीख ले, उसे सुधार कर ले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और भोर का भोला यदि संध्या को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। चंद्रधर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। कोटि कोटि धन्यवाद आपके इस क्षमा रूपी उपकार के लिए और आपके दिव्य दर्शन की कृपा के लिए। मुझे मेरी भूल सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं चंद्रधर, बेहुला का करो, जो तुम्हारे जीवन में वो प्रकाश की किरण बनी, जिसने तुम्हारे अहंकार के अंधकार को दूर कर दिया, जिसने तुम्हें निर्मल भक्ति के पथ पर लौटने के लिए प्रेरित किया। बेहुला ने जो किया उसके लिए मैं उसे आशीर्वाद दे चुकी हूँ। भविष्य में उसके नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज देवी पद पाने के पश्चात मैं घोषणा करती हूँ, बेहुला के उत्सव में जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा कर व्रत रखेगा, मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सुहागनों के सुहाग की आयु में वृद्धि होगी। अन्य सभी भक्तों को किसी भी प्रकार के विष और सर्पों और नागों के प्रभाव से अभयदान मिलेगा। विवाह और जीवन में कठिनाइयों को लाने वाले महापातक काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। माँ, आपकी कृपा तो आरंभ से ही मेरे ऊपर बनी रही है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जो किया उसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे माता पिता को जाता है। मुझे सफल बनाया उनके विश्वास ने, आपके आशीर्वाद ने और गजानन महाराज के मार्गदर्शन ने। हाँ पुत्री, गजानन महाराज को तो हर शुभ कार्य का श्रेय जाता है। उन्होंने केवल तुम्हारी ही नहीं पुत्री, मेरी भी सहायता की है, क्योंकि तुम्हारे गजानन महाराज मेरे भ्राता है, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश है। आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं आपके मार्ग के विघ्न को दूर कर दूंगा बिहुला। प्रणाम प्रभु। अहो भाग्य हमारे जो स्वयं विघ्न हर्ता हमारे सहायक बने। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से ही हम सभी विघ्नों को दूर कर पाए। अब जब आप स्वयं हमारे मध्य हैं, तो आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो भविष्य में भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि रहेगी। आपके आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। आ,
स्नेहरता गणेश की कृपा के बिना कोई कार्य कहां पूर्ण होता है। विघ्नहर्ता, यदि आप मेरे मार्ग के विघ्न को दूर नहीं करते तो मेरे कार्य भी संपन्न नहीं होते। भ्राता गणेश के कारण ही आज मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई है। मैं आपको वचन देता हूँ दीदी, आपके देवी पद की प्राप्ति में मैं आपकी सहायता करूँगा। इसलिए जो गणेश की उपासना करेगा वो मेरी भी कृपा का भागी बनेगा और गणेश के भोग के पश्चात ही मुझे भोग चढ़ाया जाएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता श्री गणेश की, माँ मनसा देवी की, माँ मनसा देवी की, माँ मनसा देवी की, माँ मनसा देवी की। अनुज गणेश, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए दीदी मनसा, आपको अनेकों धन्यवाद, क्योंकि जब भी आपको भोग चढ़ेगा मुझे भी भोग मिलेगा और अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। अनुज, तो चिंता किस बात की, भोग तो तैयार है। मैं सभी के लिए आसन लगा देता हूँ। आसन तो लग चुके हैं पुष्पदंत जी, आप अपने कार्य पर ध्यान क्यों नहीं देते। आप निश्चिंत रहिए भिंगे जी, महादेव जी के मुख्य द्वारपाल से कभी कोई चूक नहीं होती। अच्छा, तो हमसे कौन सी चूक होती है। आइए विघ्नहर्ता गणेश, भोजन के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ दीदी, ये लीजिए गणेश जी। ये क्या है मौसी। सदा के समान मैंने आज भी आपके लिए कुछ विशेष बनाया है, आप इसी पे बैठ के भोग ग्रहण कीजिए। अद्भुत है, सुंदर है, किंतु छोटा है मौसी। आपका गणेश अब थोड़ा बड़ा हो गया है, आप सदा मुझे छोटे आकार के उपहार ही क्यों देती हैं मौसी। क्षमा करो पुत्र, मैं क्या करूं? आप तो मुझे बाल रूप में ही दिखाई देते हैं। मैं कुछ भी बनाने जाती हूं तो आपके बाल अवस्था की छवि मेरे ध्यान में आती है और आकार छोटा ही रह जाता है। फिर ये मुझे लौटा दीजिए, मैं बड़ा बनाकर ले आती हूँ, इस बार कोई भूल नहीं करूंगी। नहीं मौसी, ये तो आपको कभी नहीं लौटाऊंगा मैं, ये मुझे मेरी माँ जैसी मासी ने जो दिया है, और जो माँ देती है वो छोटा बड़ा कैसा भी हो पुत्र को तो सदा प्रिय होता है। इसलिए आज मैं इसी पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण करूंगा। किंतु मौसी, मुझे एक और उपहार देना होगा आपको। उपहार? कैसा उपहार? अपने हाथों से भोजन कराने का। दीदी प्रतीक्षा मत कीजिए, ये आपका प्रिय भोजन है। मैंने कहा था ना अनुज, प्रथम भोग मेरे प्रिय भ्राता विघ्नहर्ता गणेश को ही चढ़ेगा। भोजन ग्रहण करो। थोड़ा और चाहिए मुझे। ये लो पुत्र। किंतु जया, ये तो प्रसाद का तुम्हारा भाग है, तुमने गणेश को क्यों दे दिया। आप चिंता ना करें देवी पार्वती, गणेश को भोग लगाते देख मेरा पेट तो स्वयं भर जाएगा, और वैसे भी स्वयं से अधिक आनंद तो मुझे गणेश को खिलाने में आता है। माँ का पेट तो पुत्र को खाते देखकर ही भर जाता है। आप खाइए ना। सत्य कहा आपने, दूसरों के साथ बांटने से आनंद का अनुभव और बढ़ जाता है। सुख बांटने से बढ़ता है तो दुख बांटने से घटता भी है। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। आपका हृदय बहुत विशाल है जया मौसी,
आप क्यों प्रसन्न हो रहे हैं पुष्पदंत जी? यहाँ प्रशंसा आपकी धर्मपत्नी की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। और इनकी प्रसन्नता होगी भी नहीं, उनका दांत पलेगी दांत। उधर देखिए, प्रियजन को सब बह गया, अब मैं क्या करूं? आप अपने कार्य से अधिक दूसरों के कार्य पर ध्यान देते हैं। हाँ तो उसका तो यही परिणाम होगा। अब तो पानी पानी होना पड़ेगा आपको, किंतु पानी किसी को नहीं दे सकेंगे। स्वामी का ऐसा अपमान उचित नहीं। जया, अरे हम शिवगढ़ों के बीच में तो हास परिहास होता ही रहता है। अरे अब ये भोजन किसके लिए बना रही हो जया? अब देखो जया, अब मैं क्या करता हूं? अब हमेशा ऐसा कार्य क्यों करते हैं जिससे दूसरों को आप पे हंसने का अवसर मिले? देखा जाए। आपको तो चोट लगी है। ये छोटी मोटी चोट शिवगण के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तुम एक बार हंस तो दो। मुस्कुरा दो तो हम ठीक हो जाएंगे। पिताश्री, माता, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। जाना चाहती हो पुत्री? अपनी माँ के पास कुछ दिन कैलाश में रुकोगी नहीं? माता, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु देवी पद के दायित्व तो मुझे निभाने ही होंगे। जाना तो मुझे होगा ही ना माता? उचित है, किंतु भली भांति मुझे अपने आप को विदा करने का अवसर तो दो।
माता, दीदी कैलाश में चावल के दाने क्यों फेंक रही हैं? पुत्री जब मायके से विदा होती है तो उस विधि का अर्थ है कि वो मायके का धन मायके में ही छोड़कर जा रही है, जिससे वहां पर सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। प्रिये, माँ मनसा देवी विदा हो गई। उनके जाने से पहले मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले। उचित समय पे उचित कार्य नहीं करेंगे तो यही होगा, बस उपहास के पात्र बनेंगे आप। ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए ये बनाने को पुष्प चुनने गया था मैं, इसलिए आने में विलंब हुआ। प्रिय, अपने प्रिय पत्नी के केशों में ये गजरा लगाने की अनुमति तो दे दो। अच्छा हुआ जो तुमने अपना क्रोध त्याग दिया, नहीं तो तुम्हें मनाने में मुझे अपने कार्य पर जाने में विलंब हो जाता, जो उचित नहीं है। महादेव के मुख्य द्वारपाल को यह शोभा नहीं देता। ये क्या? कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। हाँ, पुष्प चुनते समय कांटों में हाथ डाल दिए होंगे। आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखिए ही, किंतु मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुनिए। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। प्रिये, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, तभी तो इतना बड़ा दायित्व मिला है मुझे। महादेव जी के द्वार का मुख्य द्वारपाल हूँ मैं। अब ऐसे मुंह फेर लोगी तो हम तो बात ही नहीं कर सकेंगे और हमें अपने कार्य में जाने में विलंब हो जाएगा। अधिक नहीं, एक दो बोल प्रेम के ही बोल दो। किसी भी पत्नी को अपने पति का उपहास होते देखना अच्छा नहीं लगता। अब आप जब तक अपनी योग्यता और श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्रेष्ठ हूँ, योग्य भी हूँ, प्रमाणित कैसे करूं? प्रथम पूज्य गणेश जी के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है। मेरी सहायता करेंगे ना आप? परंतु अधिक समय नहीं है मेरे पास। बोलिए पुष्पदंत जी। मैं अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करूंगा, तभी मेरी पत्नी जया मुझसे वार्तालाप करेगी। इसके लिए मुझे बहुत बल की आवश्यकता है। आपके सुझाव से ये संभव हो सकेगा। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं, बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। उचित है पार्वती नंदन, आपको अनेकों धन्यवाद। जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ है। मुझे सभी शिवगणों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, किंतु कैसे? कैसे करूंगा मैं ज्ञान अर्जित? कहां से मिलेगा मुझे ज्ञान? ये लो, ज्ञान के भंडार हैं जगत पिता महादेव और माता पार्वती, और मैं उनके द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं। तो व्यर्थ विचार क्यों कर रहा हूं मैं? उनके तो हर शब्द में ज्ञान होता है, तो मैं यहां खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? थोड़ा और उनके निकट जाकर के सुनता हूं, ज्ञान के भंडार अपने आप ही खुल जाएंगे। Thank you.
ये उचित नहीं है। अरे ये कैसा पाप करने जा रहा था पुष्पदंत? प्रभु और माता एकांत में है, मुझे ताक झांक नहीं करनी चाहिए। किंतु सुनने में तो कोई दोष नहीं। स्वामी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने कष्टों, संघर्षों और परीक्षाओं के पश्चात हमारी पुत्री मनसा को देवी पद प्राप्त हुआ है, और किसी देवी को इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। प्रिय, संघर्ष और कष्ट तो आपने भी देखे हैं, इस जीवन में भी और इससे पहले भी, जब देवी सती के रूप में आपका आविर्भाव हुआ था। किंतु इस सब का सार है, शुष्यत सुखेशु कालेशु त्यागो अमृत निर्झरा, अर्थात सुख अल्पकालिक होते हैं, कुछ ही समय में मिट जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किए गए त्याग अमृत की अनंत धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय भी बनाते हैं। गणेश जी ने मुझे श्रेष्ठ होने का रहस्य बताया, पता है वो क्या है? वो ज्ञान है, ज्ञान से ही कोई इंसान श्रेष्ठ बनता है। देखिए, आप समय व्यर्थ मत कीजिए, अब जब तक आप अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते हमारे पास मत आइएगा। इसमें प्रमाणित क्या करना है प्रिय? मैं श्रेष्ठ हूं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे वो रहस्य ज्ञात है जो किसी को भी ज्ञात नहीं, न भृंगी, न तोतला, और यहां तक कि नंदी जी को भी नहीं पता है। और प्रिय, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुख्य द्वारपाल जी? जाके सो जाइए, रात्रि भर द्वार रक्षा जो की आपने, उल्लूक समान आंखें लग रही हैं आपकी। उल्लूती तो है तभी तो आप उल्लू समान वाले हैं। बस बहुत हुआ, आप सभी के उपहास के पात्र नहीं है ये, आप सभी से अधिक ज्ञानी है। अच्छा, तो हम भी तो तुम्हें एतात्या ज्ञान प्राप्त है ने, जो हमारे पास नहीं है। इन्हें ज्ञात है कि स्वामी आप स्वयं ही बताइए। इस बार ऐसी बात न कहिएगा स्वामी जिससे फिर आप उपहास के पात्र बने। मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है माता पार्वती अपने पूर्व स्वरूप में माता सती थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी वो। इसमें नवीन क्या है, ये तो सर्व ज्ञात है। नवीन वो ज्ञान है जो सभी से गुप्त है। शुष्य सुखेशु कालेशु त्यागो अमृत निर्झरा, सुख अल्पकालीन होते हैं, जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किया हुआ त्याग अमृत की धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय बनाते हैं। ये तो प्रभु के शब्द हैं, जो कल रात्रि उन्होंने मुझसे कहे थे। क्या हुआ प्रिय? प्रभु, कल रात्रि जो निस्वार्थ त्याग की महिमा आपने मुझसे जो कही थी, क्या वो कभी आपने पुष्पदंत से भी कही? अन्यथा आपके शब्द उसके मुख से कैसे सुने मैंने?
शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति अध्ययन और उसके प्रति समर्पण से ही संभव है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.